हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश. प्लीज़ टेक दिस बुक एंड टर्न योर पेज. ओपन पेज नंबर 26. ओके, पेज नंबर 26 पर यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है. ओके, लिख दी डेट. अब क्या लिखा है यहाँ पर रीड करो. वन मैनी, एड एस टू ईच वर्ड. वन इज डन फॉर यू. ओके, यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है. अब आप यहाँ पर देखो पिक्चर में क्या है ये. एप्पल, कितने एप्पल है? वन है या मैनी? वन यानी कि एक, और मैनी यानी कि एक से ज्यादा. ओके, तो यहाँ पर कितने एप्पल है? वन. तो यहाँ पर लिखा है वन एप्पल. ओके, फिर यहाँ पे कितने एप्पल है देखो, तो एक है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा यानी कि मैनी. तो यहाँ पर लिखा है मैनी एप्पल्स. आपको इसमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? डिफरेंस देखो, यहाँ पर वन एप्पल था इसलिए यहाँ पर सिर्फ एप्पल लिखा है, और यहाँ पर एक से ज्यादा एप्पल है इसलिए यहाँ पर एप्पल का स्पेलिंग और पीछे एस लिखा है. एस क्यों लिखा है? क्योंकि एक से ज्यादा एप्पल है. ओके, एक से ज्यादा यानी कि मैनी एप्पल्स. ओके, वन था इसीलिए एस नहीं लिखा है पीछे. यहाँ पर मैनी है इसीलिए यहाँ पर लिखा है एस. तो इसी तरह से हमें यहाँ पर लिखना है. ओके, यहाँ पर कितने बॉल है? वन. तो यहाँ पर लिखा है वन बॉल, और यहाँ पर एक से ज्यादा है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? मैनी बॉल्स. ओके, मैनी बॉल्स. एस हमने लिखा क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा बॉल्स है. ओके, फिर यहाँ पर कितनी कैट है? एक. तो इसलिए यहाँ पर लिखा है वन कैट, और यहाँ पर एक से ज्यादा है इसीलिए हम लिखेंगे मैनी कैट्स, CATS कैट्स. ओके, फिर यहाँ पर कितना डॉग है? एक. तो यहाँ पर लिखा है वन डॉग, और यहाँ पे एक से ज्यादा है तो हम लिखेंगे मैनी डॉग्स. यहाँ पर आप देख सकते हो हम सभी स्पेलिंग्स के पीछे एस लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा है इसीलिए. ओके, अब कितनी पेन है यहाँ पर? एक. तो लिखा है वन पेन, यहाँ पर एक से ज्यादा है तो हम लिखेंगे मैनी पेन्स. ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है? वन बन, क्योंकि यहाँ पर एक ही बन है और यहाँ पर एक से ज्यादा है तो हम लिखेंगे मैनी बन्स. ओके, अब लास्ट में रीड करो क्या है. वन टॉप, तो ये टॉप एक है और यहाँ पर एक से ज्यादा है तो मैनी टॉप्स. ओके, तो इसी तरह से आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है. ओके, अब आपको पेज नंबर 43 ओपन करना है और ये राइम करनी है आज हमें. ओके, तो हमारी राइम का नाम है द एक्शंस आई कैन डू. ओके, तो आज हम ये राइम सीखने वाले हैं. तो आपको पहले यहाँ पर
आज की डेट लिखनी है। लिख दी डेट? यस। तो पहले आप सुनो कि ये राइम कैसे गानी है। ओके, तो पहले आपको सुनना है, उसके बाद हम साथ में गाएंगे। आई कैन रन एंड स्किप एंड जंप एंड होप। आई कैन वॉक एंड शेक एंड डांस एंड स्टॉप। ऑल दीज एक्शंस आई कैन डू। इट वुड बी फन टू फ्लाई लाइक अ बर्डी टू। ओके, एक बार फिर से सुनो। आई कैन रन एंड स्किप एंड जंप एंड होप। आई कैन वॉक एंड शेक एंड डांस एंड स्टॉप। ऑल दीज एक्शंस आई कैन डू। इट वुड बी फन टू फ्लाई लाइक अ बर्डी टू। ओके, अब हम साथ में गाएंगे, तो आपको भी मेरे साथ गाना है। आई कैन रन एंड स्किप एंड जंप एंड होप। आई कैन वॉक एंड शेक एंड डांस एंड स्टॉप। ऑल दीज एक्शंस आई कैन डू। इट वुड बी फन टू फ्लाई लाइक अ बर्डी टू। ओके, इसी तरह से आपको ये राइम गानी है और अच्छे से याद भी रखनी है।